हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बेस्ट तुर्किश ड्रामों के नाम बताने वाली हूँ जिसे तुर्की में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। साथ ही साथ इस लिस्ट में उन ड्रामों के भी नाम है जिन्हें रेटिंग तो लो मिली बट इसकी स्टोरी लाइन ज़बरदस्त थी। सो ज़्यादा गॉसिप ना करते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एंडलेस लव। पहली ही मुलाकात से रेयान और किमाल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आगे ये दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है, मगर इन दोनों के दरमियान एक बिजनेसमैन एमिर आ जाता है जो कि रेहान को चाहता है। एमिर को आगे रेयान की एक कमजोरी का पता चलता है जिससे वो रेयान को ब्लैकमेल करता है कि वो उससे शादी कर ले। ब्लैक एंड वाइट लव। ये स्टोरी फरहत और असली की है। फरहत अपने अंकल के लिए एक हिटमैन की तरह काम करता है, वही असली एक आइडियल डॉक्टर है। एक दिन अनएक्सपेक्टेड वे में दोनों के रास्ते मिल जाते हैं जहां फरहत असली को एक बंदे को ऑपरेट करने के लिए कहती है जिसे उसी ने शूट करा था। माय लेफ्ट साइड। ये स्टोरी सारा और सलीम की है जो डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। जहां सारा अपना घर चलाने के लिए एक होटल में पार्ट टाइम जॉब करती है, वही सलीम एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा है। जहाँ सलीम को लगता है कि सारा एक अमीर घर से आई है और वो उससे प्यार करने लगता है, लेकिन आगे पता चलता है कि सारा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। ऑल्सो किसी ज़माने में सलीम के पिता और सारा की माँ लवर्स हुआ करते थे, लेकिन सलीम की दादी की वजह से दोनों मिल ना पाए। जालिम इस्तांबुल। ये कहानी एक डिसेबल लड़के की है जिसकी लाइफ अचानक से पूरी तरह से बदल जाती है जब वो एक छोटे टाउन से इस्तांबुल आता है। जमहरी। ये स्टोरी फिरोजे और अयाज की है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड हादसे के बाद दोनों अलग हो जाते हैं क्योंकि अयाज को लगता है कि फिरोजे के पिता ने ही उसके पिता को मर्डर किया था। मिसेस फजीलत एंड हर डॉटर्स। ये स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली फजीलत और उसकी बेटियों की है जो कि अमीर बनने का ख्वाब देखती है। ट्विस्ट ऑफ फेट। ये स्टोरी अदा की है जो ये सोचती है कि खुश रहने का सिर्फ एक जरिया है कि जो भी पहला मर्द पसंद आए उससे शादी कर लो, लेकिन जब उसे एक लड़का पसंद आता है रोजगर, तो वो उसे छोड़ देता है, जिसके बाद एक चैलेंजिंग जर्नी शुरू होती है। द मैग्निफिसेंट सेंचुरी। ये एक हिस्टोरिकल तुर्किश ड्रामा है जो कि सुलेमान के इर्द गिर्द घूमती है जो कि ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे, यानी कि अर्तुगरुल गाजी के फादर। माई होम माई डेस्टिनी। एक लॉयर जैनब जो फर्रुख को पसंद करती है और दोनों की इंगेजमेंट भी हो चुकी है, और जैनब अपने पास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। उसके बर्थडे वाले दिन उसकी मुलाकात उसकी असली माँ से होती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़का देखा है जिसका नाम मेहदी है और वो उसे मेहदी से शादी करने के लिए कहती है। द लास्ट समर। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर सलीम को एक ऑफर मिलता है जिसके बाद उसे क्रिमिनल ऐकान की हिफाजत करनी पड़ती है। आइकुन, जिसे बचपन से ही क्राइम देखा है, अब उसकी जान खतरे में है, जिसकी वजह से सलीम को अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ उसे आइकुन के माफिया के लोगों से भी बचना है। मरियम। ये स्टोरी मरियम की है। मरियम के बॉयफ्रेंड से एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक स्पॉट डेथ होती है, जिसके बाद मरियम इस एक्सीडेंट का इल्ज़ाम खुद पर ले लेती है, जिसके बाद सवास, जिसकी फियांसी का इस एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, वो मरियम से बदला लेने का डिसाइड करता है। हरजाई। रेयान एक पावरफुल रिच फैमिली से है। एक दिन उसकी मुलाकात मीरान से होती है, पर आगे उसे पता चलता है कि मीरान यहाँ एक मकसद से आया है। सालों पहले उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी जिसका गुनहगार वो सुतुलु फैमिली को मानता है और उसी का बदला रेयान से शादी करके लेना चाहता है। द इनोसेंट। बाहर से दिखने वाला एक आम बिजनेसमैन अपनी बहनों की तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। एक दिन उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है इंजी के कार से। आगे इंजी उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। आगे ये दोनों एक साथ वक्त गुजारने लगते हैं, जिसके बाद ये दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर आगे क्या होगा जब इंजी को लेकर ये बहुत ही ज्यादा पजेसिव हो जाएगा और एक साइकोपैथ बन जाएगा। इनसाइडर। इस टीवी सीरीज में आप देखेंगे कि कैसे दो यंग पुलिस ऑफिसर शार्प और मार्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अपनी असल आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते। तो क्या शार्प अपनी फैमिली को बता पाएगा कि वो अंडरकवर पुलिसमैन है, और क्या अपने बिछड़े हुए भाई मार्ट को ढूंढ पाएगा। गुजे और गुने। ये कहानी गुजे और गुने की है जो सगे भाई हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल जुदा।
कोजे किसी चीज से डरता नहीं और खुद को बार बार किसी न किसी परेशानी में डाल ही लेता है, क्योंकि वो खुद के गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ गुने एक हार्ड वर्किंग और रेस्पॉन्सिबल लड़का है। और इसी के साथ ये लिस्ट यहीं पे एंड हो जाती है। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आई एम श्योर कि इनमें से बहुत सारे ऐसे टीवी सीरीज होंगे जिसे आप ऑलरेडी देख चुके होंगे एंड कुछ ऐसे भी होंगे जो कि कमेंट करके बोलेंगे कि ये ड्रामा छूट गया, वो ड्रामा छूट गया। सो गाइस, मैंने इसमें सिर्फ वो ड्रामे को चूज़ किया है जिसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। इसके अलावा मैं आपको और भी लिस्ट प्रोवाइड करती रहूँगी, बट मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय।